वर्षों से वामपंथी विचारधारा से प्रभावित समूह गरीबी से जूझ रहे लोगों की असंतुष्टि का इस्तेमाल कर उनके अंदर उग्रवाद के बीज बो रहे थे। स्थानीय समर्थन से सशक्त होने के कारण ये समूह अक्सर सुरक्षा संस्थाओं के काम में बाधाएं प्रकट किया करते थे, किंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि, नीति निर्माण और दृढ़ कार्यान्वयन से स्थिति में परिवर्तन हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को साथ में लेकर नक्सलवाद पर नकेल कसने का सफल प्रयास किया है और उसके नतीजे भी आए। सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं का फायदा मिलने से और गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए विकास की योजनाओं का प्रावधान प्राप्त करने से इन क्षेत्रों के लोग उग्रवादियों का समर्थन छोड़कर सरकार पर भरोसा करने लगे हैं। मोदी सरकार की त्रिसूत्रीय रणनीति में से एक है विकास से जनभागीदारी। मोदी सरकार द्वारा उग्रवाद प्रभावित जिलों तक विकास पहुंचाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रभावित 90 जिलों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 4,903 नए डाकघर खुले हैं। साथ ही उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 30 जिलों में 1,258 नई बैंक शाखाएं और 1,348 एटीएम स्थापित किए जा चुके हैं। संचार को गति देने के लिए पहले चरण में 4,080 करोड़ की लागत से 2,343 मोबाइल टावर लगाए गए और दूसरे चरण में 2,210 करोड़ की लागत से 2,542 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में 121 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, 43 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITIs और 38 कौशल विकास केंद्र यानी SDCs स्थापित किए गए हैं, जिससे नई पीढ़ी वामपंथी विचारों से दूर आत्मनिर्भरता की राह पकड़ रही है। पिछले 9 वर्षों में 10,718 करोड़ की लागत से 9,356 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। इसी तरह सिविल एक्शन प्रोग्राम यानी CAP चलाने सहित क्षेत्र में तैनात केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों की कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य शिविर, दवाओं का वितरण, पेयजल व्यवस्था, कृषि उपकरण और बीज वितरण जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। तकनीकी तथा औद्योगिक इकाइयों से अवगत कराने हेतु चुनिंदा युवकों को देश के विकसित क्षेत्रों के दौरे के लिए ले जाया गया, ताकि उन्हें वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव से दूर किया जा सके। पिछले 9 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल की वजह से प्रभावित क्षेत्रों में कई विकासात्मक कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उग्रवाद प्रभावित राज्यों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई एक स्पष्ट संदेश देती है कि बेहतर रणनीति, केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय और जनभागीदारी के द्वारा उग्रवाद पर जीत हासिल की जा सकती है।